okay. Yeah. Okay. So as you can see, we have one person जिनको मैंने देखा है सबसे सवाल करते हुए. So it's kind of scary to take him inside the show and he'll be asking him questions. कसम खाते हैं सारे सच्चे जवाब देंगे. कोशिश तो भी करेंगे. ये कोशिश में चलेगी सर. आज आज आप स्पॉट पे. चलिए. ओके. ऑलराइट. थैंक यू सो मच. ओनली द ट्रूथ. आई थिंक मैं हमेशा ही अनसेंसर्ड रहती हूँ और मुझे वैसे ही रहना पसंद है. मैं अपने शेल में चली जाती हूँ, छुप जाती हूँ, बात अलग है. लेकिन जो था वो सच था, जितनी भी अनसेंसर्ड बातें होंगी. ओ या आई थिंक चेंज इज़ नीडेड. और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी दैट आई लूज़ वेट, मैं थोड़ा कम करूँगी, आई कम बैक इन माई ओन फॉर्म द वे आई यूज़ टू बी फ्यू ईयर्स बैक बिफोर लॉकडाउन. तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम एंड अभी वो हो गया. इट्स द न्यू मी. उम्र तो है ही नहीं उतनी. उम्र तो फॉर मी द एज इज़ जस्ट अ नंबर. आई एम वट एवर एज आई एम इन, बट इट इज़ अबाउट हाउ यू मेंटेन योर सेल्फ, हाउ ग्रेसफुल यू कीप योर सेल्फ. सो उम्र तो लोग 50 साल के होके भी ऐसे होते हैं कि वो बहुत यंग लगते हैं. यू विल फील लाइक के 30 साल के हैं शायद. सो इट इज़ अबाउट मेंटेनिंग योर सेल्फ. फॉर मी एज इज़ नथिंग, इट जस्ट दैट कि आपको कैसे खुद को रखना है. मैं कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव स्पोकन अबाउट और वो होल्ड पे चले गए. मुझे नज़र में बहुत भरोसा है और मैं नहीं बोलना चाहती हूँ कुछ, बट जो है बहुत अच्छा है. बालवीर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शोज, आई थिंक मोस्ट फेवरेट आई वुड लव टू से, बिकॉज बालवीर रिटर्न्स के बाद जितने भी सीज़न आए अभी भी लोगों को तिमनासा की याद आती है एंड अभी भी द फैंस आर लाइक तिमनासा चाहिए, तिमनासा चाहिए. सो इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग. यू बहुत अच्छा लगता है इसे सुन के. देखो क्या होता है. यार सोच नहीं मिलती कई बार, यू नो. आप ट्राई तो बहुत करते हैं. अभी लोगों को ये भी क्वेश्चन मार्क होते हैं कि 3 साल के बाद आपको अब पता चल रहा है सोच नहीं मिलती, लेकिन 3 साल आप ट्राई तो करते हैं ना, है ना. ऐसे अभी भाग थोड़ी ना जाता है इंसान सिचुएशंस के साथ. सो आई थिंक वी वर ट्राइंग, आई वॉज ट्राइंग एंड इट डिडंट वर्क आउट. नहीं वर्क आउट हुआ तो बाय बाय. व्हाई टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप वेयर इज़ यू नो कि आगे चल के और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. तो वो चीज़ बेहतर है कि वो ख़त्म हो जाए तो ख़त्म कर दी. नहीं मैं आई हैव अ थिंग, मैं अपने एक्सेस से कभी बात नहीं करती एंड आई थिंक वो करना किसी को भी नहीं करना चाहिए. इट इज़ जस्ट माई सजेशन एंड मुझे समझ भी नहीं आती है वो चीज़ें अनटिल अनलेस. हाँ आपका कोई वर्क कमिटमेंट है दैट यू हैव टू वर्क टुगेदर. प्रोफेशनली पर्सनली चीज़ों को ना इन्वॉल्व करें वो ज़्यादा अच्छा रहता है. तो हाँ कभी ऐसे हार्ड फीलिंग्स कुछ नहीं है. अभी भी उनके लिए रेस्पेक्ट है. कल को अगर ऐसा हुआ कि शायद काम करने का फिर से कहीं मौका मिला या हमारी इंडस्ट्री ऐसी लोग टकराते रहते हैं, इवेंट्स पे टकरा जाएंगे, रेड कार्पेट्स पे. सो आई थिंक इट विल बी जस्ट अ हाई हेलो ग्रीट एंड रेस्पेक्टफुल जेस्चर, नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आइए चालू हो गया. ओह माय गॉड. सो यू नो मुझसे मेरे लोगों ने बोला था, रिसर्च जब हो रही थी, वी नीड टू नो संदीप की स्टाइलिंग जो है ना ऑन पॉइंट है आजकल. लाइक व्हाई डू यू नॉट डू दैट?
Why did I not? I refuse to make a film. I need to first make a film and then I'll go to France. No, people are going. No, no, they are. People are paying and going. They have no work. I have work, so I rather make a film and then I go to France. Okay, so Sandeep is the reason that you know this is zyada log stars ban rahe hain, but why? Because reality shows, Big Boss, ye jo monster khada kar raha hai, wo aap hi chal ke bol hai. I really want to know that how, when are you going? I'm never going to. Yeah, I'll do the one episode. Wo jo ek episode pe jao, sabko dark pakad ke aa jao. That's what I'll do. I'm not going to go as a guest because I don't think it's my scene. मतलब मैं पहले हफ्ते ही बाहर निकल आऊंगा. मैं ना झगड़ा करूंगा, मैं ना कुछ करूंगा, मैं वापस आऊंगा. लेकिन ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो सिर्फ मेरे शो पे होगा, तो उसके लिए आप लोग जानते रहे, देखते रहिए, बिकॉज संदीप विल बी रिवीलिंग अ लॉट देयर. बिकॉज बेसिकली अगर उन्होंने नहीं किया तो यहाँ से जा नहीं पाएंगे. ओ माय गॉड, वी आर गुंडास. ओ माय गॉड, चलो. नो बट सीरियसली, लाइक मैंने जिसको बोला था, मैं कहा भाई थोड़ी सी रिसर्च कर लो. Sir, you don't need to do any research about it. No, the styling was great, like on point. Because एक outfit था, वो तो मुझे भी चाहिए था. मैंने आप बताओ, the green was that one very Diwali. अच्छा, that is made by Anu. अपनी Anu? Yes. She is my Diwali outfit से वाला done by her. She is somebody who really knows what I like to wear, you know my style, and she is very good. So because I was, मैं कल रात भर travel करके आया सीधे. मैं अपने अनफिल्टरिंग कमेंट्स के लिए जाना चाहता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है. तो हाँ, दिल से बात हुई, मैं शार्दुल को बहुत सालों से जानता हूँ. शार्दुल ने मेरा शो बंद नहीं किया था बहुत सालों पहले. तो शार्दुल के साथ एक अलग रिलेशनशिप है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्ट. यू नो, मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एक पॉडकास्ट या एक इंटरव्यू के लिए, दैट यू शुड हैव दैट कंफर्ट. सो यस, आल्सो टॉकिंग अबाउट यू नो समथिंग योर स्पेशल लाइफ बिग बॉस. सो आपकी अगर मैं बात कर रही हूं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके नाम भी आ रहा था बीच में, यदि यू आर गोइंग टू बिग बॉस आल्सो. सी, मुझे आई विल से दिस वंस एंड फॉर ऑल, मैं एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर आई विल नॉट बी डूइंग बिग बॉस, बिकॉज़ मैं आई बिलीव नेवर से नेवर. आगे चल के आई रियली डोंट नो, बट राइट नाउ फॉर द टाइमिंग आई विल नॉट बी डूइंग बिग बॉस, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, जैसे हर क्रिकेट लवर क्रिकेटर नहीं होता, वैसे ही हर बिग बॉस लवर बिग बॉस कंटेस्टेंट नहीं होता. और मैं वो हूँ जैसे बिग बॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आई डोंट थिंक मेरे में वो इतनी शक्ति है या इतना स्ट्रेंथ है या इतना पेशेंस है कि मैं यू नो स्ट्रेंजर्स के साथ रहूँ और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के लिए खुला छोड़ दूँ. इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मुझ में. सो यू विल नॉट सी मी इन बिग बॉस एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. सी, आई जस्ट फील इट डिपेंड्स अपॉन वन प्रोडक्शन हाउस टू दी अदर. अगर कुछ क्लॉजेज हैं, बिकॉज यू नो एक सेइंग है कि दूध का जला भी छास फूंक फूंक कर पीता है. मुझे लगता है ये क्लॉजेज, इट डिपेंड्स अपॉन आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है एक्टर्स के साथ, बिकॉज बहुत टाइम एक्टर्स बहुत ही बदतमीजी से बिहेव करते हैं. एक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत ही यू नो रॉन्ग बिहेवियर करते हैं, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, और ये सब होता है. लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो होता है. और मुझे लगता है कि अगर एक प्रोड्यूसर को अपना इंटरेस्ट, अपना शो की सेफ्टी रखनी है, और अगर वो डिमांड्स लेजिटिमेट हैं, अगर वो रियल हैं, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लॉज है कि अगर आपको शो छोड़ना है तो ये होता है, अगर ये करना है तो वो होता है. वी ऑल हैव, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट. एट द सेम टाइम हमको एक्टर्स को कोई गधा मजदूरी नहीं करानी है. इट इज़ अबाउट एक्टर्स ऑल्सो हैव their freedom. I mean, they also have their, मतलब we even look at their interest. But कभी कभार कुछ actors हैं ना, वो आपको इतना for granted ले लेते हैं ना, कि आपको safeguard करने के लिए ये करना ही पड़ता है. So I just think it's whatever works for both of them is important, because eventually actor or producer and actor or production team में एक 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 coordination बहुत important है for the smooth running of the show. Everybody needs to be happy. मंडे को मेरा नया शो मराठी में लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है येड लागलो प्रेमाचे. ये मेरा दूसरा मराठी शो है. मैं एक तीसरे मराठी शो पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ. मुझे इस वक्त मराठी में बहुत एक्साइटमेंट लगती है, क्योंकि हम अलग तरह की स्टोरीज़ कह रहे हैं. येड लागलो प्रेमाची में अगर आप बिग बॉस मराठी देखते हो, तो विशाल निकम और जय दुधाने, दे वर आर्च राइवल्स, तो वो दोनों इस शो में हैं.
देर इज नीना कुलकर्णी, देर अतिशा नायक, देर इज पूजा. सो वी हैव अ फैंटास्टिक कास्ट. तो और एक शो अबोली ऑलरेडी चल रहा है, तो या मराठी में अभी मंडे को शुरू होगा 10 बजे स्टार प्रवाह पर. अगर कोई एक्टर अनप्रोफेशनल है या उनके बारे में हमने सुना है कि वो अनप्रोफेशनल है या उन्होंने ठीक से काम नहीं किया है, तो देन नो, बिकॉज एज आई सेड वी ऑल वांट द वर्क टू गो हैप्पी एंड नाइसली. क्योंकि देखिए, एक टीवी सेट वो सेट हो जहाँ पर आप 25 दिन काम करते हो, यू वांट अ हैप्पी एटमॉस्फेयर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क विद पीपल हु स्प्रेड हैप्पीनेस अनटिल एंड अनलेस यू नो एंड नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी. ओके, थैंक यू. ठीक है, अरे सामने आपको उठी भी नहीं है इतना ज्यादा.
क्या पहना हुआ है? ड्रैगन भाई, ड्रैगन दो और बोलता हूँ उर्फी नहीं इतने सारे वाकई हैं कि सारी लगा के रखे हैं बोर्ड। माय गॉड, हाँ चलिए बताइए। अरे वाह, नहीं रे वैसे मतलब कोई नॉन फिल्टर्ड ऐसे कोई अश्लील बातें नहीं हुई है, बट जस्ट ऑनेस्ट बातें हुई है, दैट्स व्हाट अनसेंसर्ड इज फॉर। सो देयर इज नो पॉलिटिकली करेक्ट कोई जवाब नहीं है, जो जैसे हैं वैसे हैं। Yes, we are planning another film. I think we'll go on floor soon. Scripting level पे काम चल रहा है अभी, but it's too soon to talk about it. Also talking about, you know, TV के comeback करना है, TV पे या you know web shows या बड़े पर्दे पर। See, it doesn't matter as long as the content is good, because अभी क्या है कि TV हो या web हो, I don't see any good stories happening because अब everything has become very क्या बोलते हैं? I wouldn't call it vulgar, but ट्रेंड ऐसा हो गया ना कि यू नीड स्किन शो और स्लीज इन एवरीथिंग, तभी पीपल लोग देखेंगे, दैट्स बिकम द मेंटालिटी। एंड जब से वेब आया है तब से वो टीवी की जो ईगरनेस होती थी ना कि रोज़ 7:30 बजे ये मोहब्बत आएगा, तो पीपल यूज़ टू प्लान देयर डे अकॉर्डिंगली। अब तो क्या है कि कहीं भी कभी भी मन करे आप देख लो अपने वेब पोर्टल पर, तो वो वैल्यू चली गई है उसकी। I think producers versus actors, for me, my only producer is Ekta Kapoor, and she's one of my closest friends. So they can never be a versus for me. I can always be with her. So there's no versus producers for me. But actor versus producer, hote hain, kisi kisi ke problems hote hain. Jaise I think recently Krishna Mukherjee, she was again a part of my show, she's very dear friend. Unka kuch issues tha. But then again, kaun sahi, kaun galat, ye, we are no one to comment because ye unke beech hua, you don't know the whole story. कृष्णा गई है, कृष्णा श्रॉफ, टाइगर सिस्टर, सो आई थिंक या ऑल द बेस्ट टू हर। एंड शालिन भी गए, शालिन को बोलेंगे मुंह कम खोले और स्टंट ज्यादा करे। जी मैं आई मीन यार फॉर मी दैट्स अ मैन आई वर्शिप, एंड खान साहब नॉट ओनली मी आई थिंक पूरी दुनिया, मतलब जो लोग शायद हिंदुस्तान कहाँ है नहीं जानते वो शाहरुख खान को जानते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। सो एवरीबडी वॉज वेरी स्केर्ड, बट लकीली आई नो पीपल हु आर वेरी क्लोज टू हिम, सो आई फर्स्ट थिंग आई डिड इज आई कॉल्ड देम, हिज इमीडिएट टीम, एंड आई आस्क्ड, ही सेड नथिंग टू वरी, ही इज फाइन, ही इज सॉर्टेड, ठीक है। देन लाइफ चेंज नहीं हुई है, बिकॉज मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि बच्चे होने के बाद लाइफ चेंज कैसे हो जाती है। आपकी लाइफ वही रहती है, बस एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप दोपहर का खाना आप रात को खाते हैं क्योंकि लाइफ चेंज हो गया, बच्चा हो गया। सो लाइफ इज स्टिल द सेम, दोस्तों के लिए उतना ही वक्त है, बाहर भी उतना ही जाते हैं, मज़े भी उतने ही करते हैं। हाँ, बट जो एक वक्त हमारा खुद जो अपना आपका खुद का एक वक्त है वो अब आप डोनेट कर देते हैं अपने बच्चे को। सो लाइफ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल व्हेन यू हैव किड्स अराउंड। जो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई ऑलवेज से, एक खुशियां बांटो, दुख वैसे ही बहुत लोगों के पास। थैंक यू, बाय। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं अनफिल्टर्ड ही हूँ, तो शार्दुल के साथ बैठ के बहुत सारी कुछ बातें करने वाले हैं और देखते हैं कितना फन होता है। मैं इसी के साथ साथ आपके शो की बात करना चाहेंगे कि जिस शो में आपको मजा आ रही है फिलहाल।
बहुत मज़ा आ रहा है. बोथ हीरा मंडी एंड मैडनेस मचाएंगे, दोनों ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो एक आर्टिस्ट के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. मैडनेस में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं. अभी इस हफ्ते के एपिसोड में आई थी मौसमी चैटर्जी जी, और उन्होंने इतना फ़न किया है ना, वो इतनी अमेजिंग है. वो एपिसोड आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. जी और इसी के साथ साथ यू नो जितना मुनव्वर हर चीजों से दूर भाग रहे थे उतना आप लोगों ने उनकी मुनव्वर बहुत ही अमेजिंग है. वो ना हर जोक को बहुत अच्छे से लेते हैं, और क्योंकि वो खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन रहे हैं तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है, और वो ऑन द स्पॉट जोक्स बहुत अच्छे बनाते हैं. तो मैडनेस के पहले एपिसोड में वो गेस्ट थे, क्योंकि वो एक कॉमेडी का अपने साथ एक लेगेसी लेकर आते हैं. और उस एपिसोड में मैंने आयशा का गेटअप लिया हुआ था, तो वो बड़ा मज़ा आया, और वो काफ़ी हंस रहे थे, कह रहे थे तुम्हें देख के एक बार को डर लग गया था मुझे स्नेहल, बट इट वॉज़ वेरी फन शूटिंग विथ हिम. I want to tell him get well soon. Come back jaldi se. We are missing you on social media. Ma'am, ye bhi jana chahenge industry mein aise kaun aapke favorite hai jo aap apne show mein lana chahenge. Mere to bahut sari lambi list hai, lekin agar wish list ki baat karu to mujhe lagta hai Johnny Lever sir ko aana chahiye hamare show pe, kyunki unko hasayenge tab you know hamara actual talent pata chalega ki hum log kitne acche comedians hain. बिल्कुल भी नहीं. मैं, मेरा एक बेटा है, मेरी सासू माँ है, मेरा पति है, मैं कैसे उन्हें छोड़कर जाऊंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है. बट मैं बाहर से सपोर्ट ज़रूर करूंगी और ज़रूर देखूंगी सारे एपिसोड्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शार्दुल कैसा है, ही इज़ लाइक लिटली अनफिल्टर्ड, एंड उसके दिल में जो भी होता है वो लिटरली बोल देता है, वो सोचता नहीं है. तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम रियली एक्साइटेड ऑल्सो मीटिंग हिम आफ्टर सो लॉन्ग, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट दिस वन. कृष्णा, बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है, बहुत कम
ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि मुझे क्या क्या पूछने वाला है. सो ही वॉज लाइक कि आई एम गोना आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड फिर तुम देख लेना तुम्हें जवाब देना है कि नहीं देना है. तो उसने मुझे वो ऑप्शन दिया है कि इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू आंसर, दैट्स अप टू यू. सो Oh, wow. So, क्या कहना चाहूँगी, हमने उनसे यही पूछा, you know, आजकल इंडस्ट्री में एक्टर्स वर्सेस प्रोड्यूसर्स चल रहा है. सो नाउ कृष्णा, इतना you know, आपने ओपनली हर चीज़ बता दी है, नाउ हाउ मच यू फील लाइक. सी ऑनेस्टली इट्स नॉट, आई वुड नॉट से प्रोड्यूसर्स, देर आर फ्यू प्रोड्यूसर, ठीक है, जो मेरे प्रोड्यूसर थे इट वॉज माई बैड लक कि आई वॉज यू नो वर्किंग विद हिम, बट आई हैव वर्कड विद यू नो सो मैनी प्रोडक्शन हाउसेज, दे आर सो गुड, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड स्पेशली आई हैव वर्कड इन बालाजी, राइट, मोस्टली आई हैव डन माई शोज इन बालाजी. तो उन्होंने तो मतलब ऐसे वो पलकों में बिठा के रखते हैं ना, वैसे रखा था उन्होंने. सो आई नेवर हैड यू नो आई नेवर फेस सच इशूज, बट या योर इट वॉज टोटली डिफरेंट. And I was, you know, I had anxiety, I was in depression and all because of all this. काफ़ी time तक मैंने सोचा था कि मैं you know बोलूँगी नहीं बोलूँगी, but then I was like I really have to. You got immense support, you know, from industry, your friends. Now what is the situation, you know? अभी good producer जो भी थे, you know, अब सारी चीज़ें clear हुई है नहीं हुई है what? Honestly, I'm really grateful and thankful to all of you actually that मुझे इतना support किया सबने. But the you know the good thing is जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, like I've worked with Sandeep sir, and Sandeep sir का मैंने अभी recently देखा था एक interview जहाँ पर उन्होंने ये बोला है सबको that I have worked with Krishna and I know that she would never do such thing. Like the producer told me that Kundan Singh told, you know, he posted on his Instagram that, you know, she's doing all this for fame, for publicity, for, you know, all that thing. But yeah, Sandeep sir, he said it all, that I am not such girl who would do such things. And yes, agar kisi ne mehnat ki hai, that person would want their, you know, hard-earned money. So that's it. Krishna, ek taraf, you know, aapke saath, aapke producer ke saath ho raha tha, aur dusri taraf hum dekh rahe hai, Shehzad ke saath bhi, unke producer ke saath, you know, immediate resign unko karna pada. I've heard that, I've seen the news also, but honestly, I have no idea about all this. I've asked Shehzada once, but he said, I'm not ready yet to talk about it, and I did not force. I don't want to force anyone who's that, you know, when the person is not ready, when I was not ready, I did not say anything. Maybe he's not ready yet, so wo nahi batana chahta, but I hope soon wo aake, you know, baat bataye kya hai, kya nahi hai. Also, Krishna, abhi agar main reality shows ki baat karu, so Big Boss OTT aa raha hai, so are you ready for Big Boss or do you want to in future? Honestly, I don't mind doing Big Boss, but OTT I don't want to do, but yeah, the other one I would love. And Khatron ke khiladi mein aapke koi friends gaye hain jise aap wish dena chahoge? Khatron ke khiladi mein honestly matlab main itna personally kisi ko nahi janti jo gaye hain wahan pe, so yeah, but all the best to all of you guys. Thank you so yeah? much. Thank you. No, but thank you so much. You guys don't know why they are here. They are here for a very special.
one instant message. That's it. Always. That's all it takes. Yeah. All it takes. Yeah. I could call you. All these. Out to Krishna.
देयर आर पीपल रीचिंग आउट टू मी कि कृष्णा की हम हेल्प करना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं. पीपल आर क्वेश्चनिंग कृष्णाज इंटेंशंस, पीपल आर क्वेश्चनिंग कृष्णा. लुक यू नो द वे कृष्णा हैज हैंडल्ड हरसेल्फ ग्रेसफुली इस पूरे एपिसोड में, जहाँ पर यू नो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं. तो मैं ये कृष्णा शायद ना बोले, पर ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो ऑडियंस देख रही होती है ना, इट्स टाइम नाउ फॉर यू गाइज टू स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन पीपल, बिकॉज हक सबको मिल सकता. तो मैं लॉन्च होना चाहूँ, अगर नेपोटिज्म रणबीर कपूर है तो वो नेपोटिज्म कपूर है पैसा का, तो मुझे भी और भी बहुत सारे कपूर हैं और भी बहुत सारे छोटे हैं. विशाल भाई सही बाहर आइए ना एक मिनट में, अब क्या क्या करेगा तू, विजुअल वीडियो करेगा, कौन सा लुक लेना है उसके लिए, बहुत मत क्या करेगा. लेकिन विशाल किस किरदार में ना लॉन्च होना चाहोगे आप, एक जो ये नट वाला जो है वो क्या है आखिर, ये जानना क्या क्यों है यार, आपको भी पता है लड़के नहीं पहनते क्या, बिल्कुल पहनते, तो फिर उसने सवाल किया है क्या है, क्या ऐसा थोड़ी होता है. ये फैंस और ऑडियंस भी जानना चाहती है. मेरा मुझे बहुत शौक था यार, बहुत पहले से मन था पहनने का, जब लगा कि पहन सकता हूँ पहन लिया. यार मैं जब बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ, ट्राई करता हूँ कि सच बोलने की कोशिश करूँ, और जब भी दीदी से मिलता हूँ मतलब शार्दुल से मिलता हूँ तो फिर मस्ती वाली बात ही होती है, क्योंकि हम लोग कनेक्ट ही वैसे करते हैं. मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनके साथ आपको अपने लाइफ में फिल्टर नहीं रखने की ज़रूरत है, और ऊपर से उनका शो ऐसा है अनसेंसर्ड, तो अनसेंसर्ड में मतलब अब कुछ भी बचा नहीं है ऐसा कि जो छुपाया गया हो, सब कुछ बोल दिया है लगता है. शायद बहुत गर्मी चल रही है यार मालूम है, और एसी नहीं चल रहा था कल मेरे घर का, तो आज ठीक हुआ है. हाँ तो आज ठीक हुआ है ऐसी, तो अभी मैं सुकून से जाके सोऊंगा आज. चल रहा है मतलब अभी तो आईपीएल कर रहा था, कल फिनाले है उसका, उसके बाद फ्री होने वाला हूँ अभी, तो देखता हूँ मैं. पता है ना एक्टर लोग काम नहीं बताते ना कि क्या चल रहा है. देखो एक्टर लोग अपना काम नहीं बताते और अपनी पर्सनल लाइफ बताते, तो फिर उसके अलावा तो सब कुछ सही चल रहा है. मतलब जानने वाले तो गए ही हैं उसमें, बहुत आसिम भी गया हुआ है उसमें. बढ़िया करेगा मुझे लगता है वो, और उसी को बोलूँगा ऑल द बेस्ट. अभी अभी भी है ना अभिषेक भी गया है ना, अभिषेक और अभिषेक भी गया. हाँ अभिषेक और शिल्पा भी गई हुई हैं मतलब. हाँ ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन लॉट में आसिम और अभिषेक में भी आसिम अच्छा करेगा. नहीं पता मुझे उसके बारे में कुछ भी. यार मैं देखो किसे देखना पसंद नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि OTT का इस बार बिग बॉस हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ OTT के ही लोग हैं, तब मज़ा आएगा. देखो क्या होता है ना यार, देखो एक एक्टर से लड़ता है या बातें होती हैं तो एक अलग तरीके का मज़ा होता है, और कहीं ना कहीं एक डेकोरम या कोई आदमी मैनेज कर लेता है, ऐसा लगता है कि चलो. जैसे दो एक्टर हमारे सीजन में क्या था कि सब लोग एक्टर थे तो सब लोग लड़ते थे तो मज़ा आता था. अब एक OTT का बंदा है, एक एक्टर है जो 10 साल मेहनत करके आया हुआ है, कोई भी आके उसको तू तड़ाक बोलेगा वो 2 मिनट के सोचे कहीं बोलेगा, मज़ा तो तब आएगा ना भाई. हाँ कि एलविस के सामने मुनावर हो. हाँ एक सीजन में तो इस बार बिग बॉस OTT वाले सिर्फ OTT वाले लोग को लेके आओ जो OTT में, फिर देखो मज़ा आएगा. यार इतना मुझे बट जीता ना वो सी वो शो ही है. देखो बिग बॉस जो है ना वो शो बहुत अलग है यार, वो मेंटली मतलब अगर आप स्ट्रांग हो और अगर अपने आप को पूरी दुनिया के सामने रख सकते हो तो ही, क्योंकि देखो हर साल लोगों के एक्सपेक्टेशन में तो बढ़ने लगते हैं ना, ऑडियंस के भी एक ही चीज़ तो नहीं देख सकते हैं. सो बहुत डिफरेंट शो है. मुनावर को देखो आप, मुनावर मतलब कितनी ख़राब परिस्थितियों में से उभर कर आया, तो हीरो ऐसा ही होता है ना. तो फिर इलेक्शन की बात करें अगर डरवाएगा तू मेरे को
क्या पूछेगा। हाँ मैं रवि किशन को समर्थ करता हूँ। रवि किशन, रवि भैया बढ़िया इंसान है, बढ़िया काम किया, मैं चाहता हूँ कि वो फिर से जीते, बढ़िया से काम करें। और ऑब्वियसली बड़े भैया हैं, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको। जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बनने लगेंगी, अच्छी फिल्में का मतलब अच्छी स्टोरी होगी और अच्छे गाने होंगे, अच्छी कास्टिंग होगी। बहुत अच्छा रहा यार, मतलब मेरी लैंग्वेज में पहली बार ऐसा हुआ कि आपको क्रिकेट अपनी भाषा में सुनने को मिल रहा है, उसमें से भोजपुरी सबसे टॉप पे थी, तो प्राउड का मोमेंट था कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई लैंग्वेज सुनी जा रही है तो भोजपुरी थी। पूरा दो साल पूरा भोजपुरी, पूरा इंडिया भोजपुरी बोलो सर, हाँ ना तो इतना देना चाहिए, हाँ ना तो हम क्या बोलेंगे बे पूरा, मेरा बस चले तो मैं सिलेबस में डाल दूँ यार तुम लोगों के सबके। भोजपुरी में बोला कि सब लोग के कि खुश रहो लोग, बढ़िया से रहो लोग, और सब लोग इलेक्शन गया है, होप सब ने वोट किया होगा, और प्लीज़ 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 सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखिए। शादी हो चुकी है,
सीरियस जिसने माहौल काफ़ी सीरियस कर दिया है और एक बहुत कॉमेडी जिसका मैं वेट कर रहा हूँ कि टीजर है तो थोड़ा नॉर्मल दोनों में ज़्यादा है तो फिल्में कर रहा हूँ काफ़ी सारी फिल्में हैं नाना सर के साथ एक फिल्म आ रही है जो रेशर पदने बनाई है एक के मेरे जी के साथ फिल्म आ रही है तो फिल्म का अच्छा है इट इज़ पॉडकास्टिंग इज द न्यू थिंग और आप सभी लोग वो देखते हैं लाइक आप सभी जानते हैं कि ध्रुव राठी का वीडियो देश हिला देता है इट इज़ द क्रिएटर्स दैट आर क्रिएटिंग द डिफरेंस बिग बॉस में अब एक एल्विश को लाया जाता है नॉट अ सास बहू की हीरोइन जिनको विनर जिताया जाता है चैनल्स वाले समझ गए मीडिया वाले अभी नहीं समझे सॉरी टू से बट पर्दाफाश नहीं है इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इट्स अ न्यू वे ऑफ एंटरटेनमेंट कि मुझे जो कहानियाँ कहनी है मुझे जो बातें करनी है मैं ये शो एक्चुअली एक चैनल के पास जाने वाला था टीवी चैनल के पास एंड आई हैव नो शेम इन सेइंग दैट एक साल तो उन्होंने बोला आपको शो बनाना है कुछ बनाना है फिर उन्होंने हमको बोला कि काम करो इसमें ना एक्सेस को बुला के झगड़वा दो ऐसे ये क्या है मेरे शो का फॉर्मेट अलग है झगड़वा क्यों दूँ सो देन दे सेड कि अच्छा इसका बजट इतना कर दो उसका आई सेड नो आई एम गोना मेक दिस शो माय सेल्फ बिकॉज आजकल द ब्यूटी ऑफ नो सोशल मीडिया इज दैट यू कैन मेक योर ओन कॉन्टेंट अच्छा है बुरा है ऑडियंस डिसाइड करेगी नो चैनल विल डिसाइड यू नो एंड दैट इज व्हाई मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग इनटू क्रिएटर्स दैट्स इट वेल अभी जिस तरह आपने यू नो बात किया कि मोर एंड मोर पीपल आर टर्निंग इनटू क्रिएटर्स ये कैसे दिमाग में आया यू नो पॉडकास्ट चालू करना है और अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और बाहर निकाला जनरली ये मेरे आजू बाजू वाले दोस्तों और मेरी सिस्टर की वजह से आया है ऑनेस्टली मैंने पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड विद शार्दुल 2021 में शुरू कर दिया था एवरीबडी हैड कम एट दैट टाइम सब लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे थे लेकिन मैंने जिस प्लेटफॉर्म के लिए किया था उनको भी ये बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी कि ये इतनी बड़ी चीज़ हो सकती है पॉडकास्टिंग तो उन्होंने बोला बजट का काम कर दो मेरे स्टार्स को ये मत करो मत करो तो मैंने उनको बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता एक शो का एक फॉर्मेट होता है अब अगर मैं कॉफ़ी विद करण को चाय की टपरी पे करना शुरू कर दूँ तो नहीं मज़ा आएगा ना बिकॉज कटरीना कैफ को मैं अगर मतलब गाउन पहना के बैठा दूँ नाइटी पहना के बैठा दूँ नहीं मज़ा आएगा ना यू नीड सर्टन बजट फॉर सर्टन थिंग्स so that is why I did not do it at that time and recently my sister said that why don't you do it yourselves क्यों किसी का वेट करना है and honestly 10-15 दिन ऐसे मेरे दोस्त पीछे करीब 10-15 दिन पहले ही आइडिया बना I started calling some people I didn't even know मैंने इंस्टा डी एम्स किए क्योंकि नेहा धूपिया का जब पॉडकास्ट आया था उन्होंने भी मेरे साथ एक पॉडकास्ट किया वैसे नेहा आई डिड यू डू द पॉडकास्ट विद मी क्योंकि आपने कहा था कि रश्मिका मंदाना को अपने इंस्टाग्राम डीएम से मंगा लिया तो मैंने भी आपको मंगाया था बट एनीवेज सो यू कैन लिटरली रीच पीपल आउट दीज डेज एंड दैट इज अबाउट द गेस्ट वेल आज जितने भी गेस्ट आए आपको इन गेस्ट में से सबसे ज़्यादा किसके साथ मज़ा आया बात करने मेरे को सबके साथ अलग अलग तरह का मज़ा आया क्योंकि देखो जो मज़ा पवित्रा पुनिया दे सकती हूँ विशाल आदित्य सिंह मुझे नहीं दे सकता मैं गोदी में बैठा था पवित्रा तो उसके साथ अलग मज़ा आया गीता कपूर ऑब्वियसली इज समबडी दैट यू नो जिनके साथ बहुत अलग अलग मज़ा आया यू नो देन वी हैड संदीप सिकंद राजीव मसन जिनके साथ एक बहुत अलग कॉन्टेंट निकला सो यू नो यू निकल यू कॉन्ट एवर से दैट यू नो कि किसके साथ ज़्यादा मज़ा आया सबके साथ अलग अलग मज़ा आता है सब अलग अलग फ्लेवर है वेल अगर नेक्स्ट टाइम आई जेन्युइनली वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू गाइस ओह वाओ आई जेन्युइनली वांट टू डू अ पॉडकास्ट विद यू गाइस बिकॉज़ यू नो आप
लोगों के पास इतनी कहानियाँ हैं, एक तो आप लोगों के पास एक ग्रुप ही है ना जिसपे राखी सावंत ने बनाया हुआ जो ग्रुप जिसमें वो आपको अपडेट देती है, आप सब लोग हैं ना, तो मुझे जेन्युइनली जानना है कि जितने भी लोगों को आप बैब करने जाते हैं उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअल फ्लाइट पकड़ी है, वो मुझे एक जान मुझे जेन्युइनली जानना है, तो मुझे एक आपका चाहिए। तीसरा मुझे ये जानना है कि जब आप जब मीडिया किसी से मिलता है तो जब सेलिब्रिटीज को ओवर एक्टिंग करते हैं आपको किसने बताया, वो आपको बताते हैं, हम सबको बताए वो बताते हैं, आई वॉन्ट टू नो दो नेम्स जो आपको पहले से बताते हैं, वो आपको पेप्सी बता सकते हैं। एग्जैक्टली। तो और दूसरा मुझे आप लोगों से पॉडकास्ट करके ये जानना है कि जब आप इंटरव्यू लेके जाते हैं, कई बार आपके साथ मैंने बहुत इंटरव्यूज किए हैं, कई बार आप कुछ सवाल पूछते पूछते अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि आपको पसंद नहीं है वो सवाल, लेकिन आपको पूछना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्लिकबेट चाहिए आपके चैनल वालों को बोले। सो आई वॉन्ट टू नो कि वो चैनल वाले हेड्स पे कौन बैठा है कि क्यों यू नो क्यों ये जानना जरूरी है, ये सारे पॉडकास्ट मुझे करना है बिकॉज नोबडी इज डन दिस, आई वॉन्ट टू शो दैट स्टोरीज एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। वो भी आपको पता है, आपने जिसका इशारा दे चुके हो, मैं विशाल के साथ मैं तो जनरली मीडिया वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कई बार आप लोग नहीं थक जाते हो टू डू कॉन्टेंट दैट इज आपको भी समझ में आ रहा है कि मतलब ये क्या है, क्योंकि आप जो शूट करते हो वो हमको अनफॉर्चुनेटली देखना पड़ता है क्योंकि वही आता है फीड्स पे, मतलब जेन्युइनली हमें समझ में आता है कि कुछ लोग अच्छे व्यूज़ आपके लिए ला के देते हैं, बट देयर आर मेनी पीपल विल गेट व्यूज यू नो। मैं आपको आइडिया दूँ, आप ध्रुव राठी की रील डाल के देखो किसी ने, कल हो जाएगा आपका मीडिया यू नो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर किसी को मेरा ब्रेकअप हो गया करने की ज़रूरत हो, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है किसी के ब्रेकअप में, जेन्युइनली नहीं है, and I'm not, and this time I'm being uncensored, I'm being unfiltered, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे उन्होंने कौन सा मेरे बारे में सोचा जो मैं उनके बारे में सोचा, थोड़ा नाटक बंद होना चाहिए on social media, like really because we can see through it, क्योंकि कुछ लोग हैं जो एक दिन मर रहे हैं 5 मिनट बाद उनके वीडियोज आ रहे हैं, हाउ पर शार्दुल ये सब इंडस्ट्री से पर शार्दुल ये सब इंडस्ट्री से आ रहा है तभी हम जाके नहीं, ये इंडस्ट्री और मीडिया दोनों की वजह से आ रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि यू नो एक समय था जब टेलीविजन स्टार्स नहीं कॉल करते थे किसी को और इंटरव्यू देने में नाटक भी करते थे, आप लोगों ने वो टाइम भी देखा है, और अब वो लोग PR हायर करके आप लोगों को कॉल करके आप लोगों के लिए नाश्ता मंगा के आप लोगों के लिए गाड़ियाँ देके लोगों ने गाड़ियाँ बांटी हैं पैप्स को कि वो उन्हें कवर करें, सो या I know them. वो सेलेब्स आपको भी पता है वो सेलेब्स कौन है जिसको कवर्ड चाहिए। Exactly. क्यों चाहिए? क्योंकि ये दोनों तरफ से हो रहा है। You know, honestly, मुझे मैं आपको बताता हूँ honestly, कई इवेंट्स ऐसे हैं जिसपे आप लोगों ने मुझे कवर नहीं किया है जो मुझे भी बुरा लगा है, तो वो फिर नहीं हाँ तो फिर क्या लगता है आपको कि यार मुझे भी करना पड़ेगा, लेकिन वो समझ आपको बाद में आती है, एंड when I've reached a place where I'm honestly talking to so many people, I've realized what is the real thing. You know, आज मीडिया में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई पैप नहीं करता, जिनका कोई मीडिया इंटरव्यू चैनल भी मतलब कोई छापता भी नहीं है, बट दे आर द चेंज मेकर्स। आई होप एंड आई विश आई गो देयर बिकॉज दैट इज व्हाट द रियल पावर इज। बट यू नो व्हाट शार्दुल, आप इतनी चीज़ें बोलते रहे हो बट हमारी भी तरफ से एक चीज़ें होती है लाइक यू नो बिल्कुल समझता हूँ मैं आपका साइड भी एक्टर्स एक्टर्स शुड आल्सो चेंज यू नो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमें कवर नहीं करनी होती बट देन टू दे मेक यू कवर। यही तो मुझे चाहिए, आप कब आएंगे मेरे पॉडकास्ट पर बताने के लिए, मुझे जानना है वो कौन से एक्टर्स हैं जो आपसे वो चीज़ें करवा रहे हैं जो आपको नहीं करनी है, जैसा कि आपने कहा। नहीं बट ऑनेस्टली यू नो देखो ये होगा कॉन्टेंट इज एवरीथिंग इज कॉन्टेंट, जैसे अगर एक चिड़िया उड़ रही है वो भी फोटोग्राफी होता है, तो यू नो बैंड्रा पे बैठा हुआ आदमी हग रहा है कि भी लोग फोटो खींच रहे हैं, कॉन्टेंट इज एवरीथिंग एंड आई एम जनरली सेइंग दैट इट्स अप टू अस दैट व्हाट वी वांट टू शो एंड व्हाट वी वांट नॉट टू शो, सो अप टू अस व्हाट वी वांट टू सी एंड व्हाट वी डोंट वांट टू सी, डोंट सी वी डोंट लाइक लॉक आई ट्राइड बट कितनों को ब्लॉक करूं विद द बटन यू कैन फिनिश इट पता चले बिकॉज बहुत सारी चीजें हमें भी ट्रोल माइक आपका आवाज आपकी
आप जब चाहें आप ये कर सकते हैं. बट यू नो बहुत टाइम हमें भी ट्रोल किया जाता है लेकिन हम नहीं बोल पाते हैं. आई एम श्योर सो यू हैव द वॉइस. वही वॉइस तो दबा दी गई है. आज की डेट में एथिक्स कहाँ है आप बताएं. एथिक्स खत्म हो चुका है. देयर इज नो एथिक्स. रेडी सो गीता माँ सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे आज आप शार्दुल के पॉडकास्ट पर आए हो कितनी अनफिल्टर्ड बातें हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है मुझे पता नहीं क्यों बट क्योंकि एक रैपो भी है ना शार्दुल जी के साथ तो बात करने में झिझक नहीं है. तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं बोल ही देती हूँ. मैंने बोल दिया. अब वो कितनी अनफिल्टर्ड है और कितनी अनसेंसर्ड है वो देख के पता चलेगा. वेल ये जानना चाहेंगे यू नो कौन सी ऐसी एक बात है या कुछ भी बात है जो हम ऑडियंस को या आपके फैंस को नहीं पता और आज आपने ये पॉडकास्ट पे बोली हो. तो बहुत सारे लोग मेरे काम के बारे में जानते ही हैं जी और उसके बारे में तो वैसे भी दिस नथिंग हिडन. मेरी पर्सनल लाइफ उतनी ज़्यादा बाहर नहीं है. नोबडी एंड आई डोंट लाइक डिस्कसिंग इट ऑल. तो शायद आपको कुछ चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलेंगी. वाओ ऐसे कुछ है नहीं बट पता चलेगी. वेल गीतमा अभी तक यू नो आपको हमने जजेस की पोजीशन पर देखा अब तो हम आपको वहीं पर देखते हैं और एज ए कोरियोग्राफर वहीं पे देखेंगे आप. व्हाई देयर इज नथिंग यू नो नॉट समथिंग एल्स. आई फील दैट अब ना बहुत कुछ बदल गया है. मैं जिस स्कूल से आती हूँ जी वहाँ पे काम करने का तरीका सलीका बहुत अलग था. अब बहुत अलग हो गया है. ऑल्सो आई एंजॉय नाउ हैविंग टू सिट and watch other people and give my opinion. और उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे काम नहीं है. वो काम ही है. कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है किसका दिल दुखाना है और नहीं दुखाना है वो काम है. राइट बिकॉज आप कुछ भी कह जाते हो और अगर आप इम्पैक्टफुल नहीं है किसी की ज़िंदगी में अच्छी तरह से then that can turn around and become quite hanikar. Well, well, if I'm not wrong, ये आपका शायद से first podcast होगा या second podcast होगा? Second, I think मनीष के साथ मैंने पहले किया था. मैं कम जाती हूँ इन चीज़ों पे. Why you don't you know talk about your personal life or your? क्या जानना है मेरे बारे में वैसे भी. मैं समझती हूँ मेरे काम के बारे में अगर लोग देखते हैं और सराहते हैं तो वो मेरे लिए काफ़ी है. I've been on television from 2008 I think and I've been loved. Been humbled with the love I've got. तो मेरे लिए उतना काफ़ी है यार. उससे ज़्यादा आपको क्या जानना है. सुबह मैं उठती हूँ कॉफ़ी पीती हूँ आप सबको दिखता है मैं कैसे कॉफ़ी पीती हूँ. अब उससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ आपको मेरे बारे में. देयर हैज़ टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग. मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप दिखा दें किसी को तो फिर देखने में मज़ा आए. मैं अभी सब्जियाँ काट रही हूँ मेरे घर में या खाना पका रही हूँ या झाड़ू मार रही हूँ उसका आपको क्या लेना देना है. बट यू नो मैम आप अभी जिस तरह कह रहे हो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ डिस्क्लोज नहीं करनी है या नहीं बताना है बट ऑन अदर हैंड हम देख रहे हैं कि उनके ब्लॉग्स चल रहे हैं जहाँ पर वो खुद ही रिवील कर रहे हैं बट जब मीडिया कवर करती है तो उनके ऊपर पॉइंट आउट किया जाता है. व्हाट यू हैव टू से. आई थिंक इट्स डबल स्टैंडर्ड्स. आई थिंक आइदर यू कीप योर पर्सनल लाइफ बाय इटसेल्फ क्वाइट एंड कीप इट द वे इट इज. आई हैव ऑलवेज डिसएंगेज्ड. आई नेवर एनकरेज्ड एनीवन टू कम कि मेरे घर में शूट करो या इवन व्हेन माय मॉम वाज अलाइव अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से कि उनके साथ एक इंटरव्यू करना है. हाउ डू यू स्पेंड योर डे एट होम. विद मुझे लगता है क्यों आपको इंटरेस्ट है कि मैं अपनी एक कोई चीज़ प्राइवेट रहे. एंड इफ यू सेट दैट एंड यू फील लाइक दैट देन यू शुड स्टिक विद मी. तो एट द मोस्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ. मैं अपनी कॉफ़ी कैसे पीती हूँ क्या करती हूँ. उतना डीप में जाना नहीं चाहती. उतना किसी को देखना भी नहीं चाहिए. सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है ना फेम आप लोग जो शूट कर रहे हैं मिल रहे हैं ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है. कल को आप जो मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगा. राइट तो बेटर है कि मैं उतना ही दिखूँ जितना ज़रूरत है. आपको भी अच्छा लगेगा. आप अगली बार मुझे कभी देखोगे और अगर बहुत टाइम बीत गया है या समय बीत गया है तो आपको भी इंटरेस्ट रहेगा कि आप मिलो जानो कुछ कि क्या चल रहा है काम के बारे में. एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग. अगर आप मुझे रोज़ देखोगे आप मैं रोज़ जिम जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ क्या कपड़े पहन रही हूँ तो फिर आपको क्या इंटरेस्ट रहेगा. सो आई लाइक टू कीप इट सम पर्सनल सीक्रेट. नॉट ओनली पर्सनल इट्स जस्ट लिटिल बिट. या जितना आई थिंक दैट इज़ द एनिग्मा ऑफ being in the limelight. And if I'm not famous tomorrow, by God,
grace, I should always be there. But if I'm not a celebrity, if I'm not famous and I go back to being who I was, तो मैं चाहती हूँ कि उतनी ही इज्जत मिले, ना कि ऐसा हो कि मुझे बुरा लगे, कोई मुझे नहीं दे रहा है. वेल अभी ये जानना चाहेंगे, यू नो मामा जी भी आपको यहाँ पर मिले हैं और किस तरह की यू नो उनके साथ बातचीत हुई है, क्योंकि मामा जी के साथ आप सुपर डांसर हो, उस पर यू नो आप लोगों की नोकझोंक बहुत ज़्यादा मस्त लगती थी, बट अभी मैडनेस पर वो आ रहे हैं. क्या मैडनेस पे आ रहे हैं? परितोष का अब ऐसा है कि बहुत बिजी हो गए, फिल्में कर रहे हैं, 7 तारीख को 14 तारीख उनकी फिल्म रिलीज हो गई. एंड ये हमारी हमेशा दुआ रहती थी जब हम एक साथ बैठते थे पहले सुपर डांसर के टाइम पे, मैं हमेशा प्रे करती थी कि यार तुम इतने बिजी हो जाओ कि मिलने का वक्त ना मिले, और आज वही हो रहा है. तो आज मैं उसको मिली हूँ, आई थिंक बहुत महीनों के बाद मिली हूँ, बिकॉज ये शूटिंग में लास्ट वो मैडनेस पे मिली थी मुझे, आज मिल रही हूँ, और शायद पता नहीं फिर जब फिल्म रिलीज़ होगी तब मिलूँगी. सो या इट्स बिकम लेसर, बट आई एम जस्ट हैप्पी क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं. टेलीविजन से फिल्म जगत में आना बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट होता है. आई एम हैप्पी फॉर इट एंड आई विल ऑलवेज बी हैप्पी. पर लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? प्यार करते रहिए और प्यार जताते रहिए. जो घर पे बैठ के लोगों को ट्रोल करते हैं, प्लीज़ मत करो यार, बहुत अजीब सा लगता है. डोंट डू दैट, बिकॉज आई थिंक एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक अ बक समवेयर और द अदर. एंड वो मीडिया हो या पर्सनैलिटीज़ हो या सेलिब्रिटीज़ हो, सब अपने में जुटे हुए हैं काम करने में, कुछ कमाने में, कुछ करने में. सो व्हेन यू ब्रिंग देम डाउन इट अफेक्ट्स देम मॉरली. लेट्स नॉट डू दैट. स्प्रेड द लव. लव की बहुत कमी है इस दुनिया में. थोड़ा सा प्यार जताएं, प्यार बना के. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. यार ऐसे नहीं चाहिए. मैं क्यों, मैं तो ऑब्वियसली इतने दिन से मिली नहीं, उसके बाद चीज भी तो करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द
देखना पिछले एपिसोड पिछले और अब ऊपर में बाय द वे आपको कुछ नोटिस किया सोशल मीडिया पे क्या नहीं किया क्या प्रेगनेंसी अबे यार नहीं यार नहीं बहुत चल रहा है बहुत इस पेट में से बड़ा पाव है भाई सब लोग क्यों तो प्रेग्नेंट बना रहे हैं अरे यार वो मैं देखो पॉडकास्ट दिव्या का इंस्टाग्राम देखिए फिर आपके पास एक और कंटेंट आ जाएगा हाँ काफी कुछ है ना ये इसलिए कुछ नहीं है ये इसीलिए मेरा दोस्त है बस सिर्फ कंटेंट चाहिए भाई आप लोग देख ही रहे हो कॉन्वर्सेशंस कैसी होती है शार्दुल इज फैमिली मतलब आपने देखा होगा मेरी शादी में भी शार्दुल एकदम आगे आगे यू नो खड़ा था एकदम फोर फ्रंट पे दोनों बहुत प्यार करते हैं शार्दुल से सो आई थिंक इट्स गोना बी अ नाइस गुड चैट एंड हम दोनों ही बहुत बदतमीज हैं तो काफ़ी अच्छा होगा वेल आज अपूर्व के साथ नहीं आई आज आप हाँ, अकेली आई हाँ जी वो मेरे साथ होते हैं वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहिए दिव्या आपको लेकर भले ही आप कुछ ना करो फिर भी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है बस सोशल मीडिया पर ये चल रहा है आपके बेबी बम बड़ा पाव बम दिस इज छोले भटूरे बम दिस इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड पॉसिबल इट्स लाइक मैं पहले बहुत ध्यान देती थी हर चीज़ के लिए मतलब 15 ईयर्स से मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया एंड दिस वेडिंग एंड एवरीथिंग इट्स टू मच टू यू नो टेक इन बहुत प्रोसेस कर रही हूँ तो हम बहुत खा रहे हैं भाई हम दबा के खा रहे हैं हम दोनों ही वी बोथ हैव बिकम लाइक दिस इट्स नाइस अच्छा गाइस एक मिनट दिव्या का कोई बेबी नहीं है मेरे सिवा एक बेबी अलाउ कर दिया इसको अपूर्व उसके बाद जो दूसरा बेबी है वो मैंगो और शार्दुल है तो मेरे को क्या ही जरूरत है एग्जैक्टली मेरे को संभालने में नहीं जा रहा टाइम सारा आई हो इस बारे में अगर अपूर्व को अगर पता भी चलती है यू नो ये सब चीजें पता चल रही है या देख रहे हैं वो तो क्या उनका रिएक्शन बहुत हंस रही है वी आर बोथ लाफिंग वी ऑल आर लाफिंग एक्चुअली घर में सारे ऐसे ही बात कर रहे हैं मुझे चिढ़ा चिढ़ा के सब मेरा भाई मुझे बहुत चिढ़ा रहा है इट्स फनी वेल इसी के साथ साथ अभी ये भी जानना चाहिए जिस तरह भी आपने वेट पुट ऑन किया है कभी ये वेट रिड्यूस होगा और कभी एक कॉज होगा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कोशिश जारी रहती है सिर्फ एक टाइम आता रहा कि आज खा लिया आज ही तो बस आज ही है बस वो आज से शुरू कर दिया इट्स हैपनिंग इट्स स्टार्टेड सो या इट्स गोना बी नाइस इट्स ओके व्हाट इज इन पाइपलाइन व्हाट इज कमिंग नथिंग एज ऑफ नाउ नथिंग एज कुछ रिवील का लाइफ में चक्कर रहा ही नहीं है अगर मुझसे किसी ने सवाल पूछा तो मैं बोलती हूँ मतलब खुद से तो मैं तो आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग इन एंड शार्दुल इज़ वेरी गुड एट हिज वर्क मतलब वो दोस्त है मेरा बच्चा है जो भी है पर जब काम की बात आती है और शार्दुल की ये जो क्वालिटी है एक्सट्रैक्ट करने की वो बात आती है आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया बहुत लेट स्टार्ट कर रहा है बट आई एम देयर फॉर लास्टली मैसेज क्या देना चाहूँगी फैंस थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑल लवली एंड ऑल इज़ फाइन